पिछले दिनों जब बजरंग पुनिया ओलंपिक में मेडल जीत कर आए थे तो उनकी धर्मपत्नी संगीता फोगट ने वायदा किया था इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को कि वो जल्दी ही वापसी करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में उतरेंगी, और वो वापसी को उन्होंने साकार कर दिखाया, उतरी और उतर के उन्होंने मनीषा को जिस तरह से 9-5 से हराकर बेहतरीन लेग डिफेंस का परिचय दिया, लेग डिफेंस के अलावा अच्छे काउंटर अटैक किए, वही उनके लिए निर्णायक साबित हुए और वो अब जा रही हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में नॉर्वे। और उन्होंने उसके बाद जो है जीतने के बाद बताया कि बजरंग पूनिया मैट पर उनके गुरु हैं लेकिन घर में उनके पति हैं। दूसरा एक चौंकाने वाला परिणाम आया जब मनीषा ने हराया साक्षी मलिक को। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट, 5-3 से वो हराने में कामयाब रही। हालांकि साक्षी मलिक को उम्मीद थी कि वो सोनम इस बार नहीं है तो शायद उनकी दाल गल जाएगी, लेकिन घुटने की इंजरी ने भी उनको पहले पटकनी दे दी जिसकी वजह से साक्षी मलिक इस बार नहीं जा पाएंगी। और सरिता मोरमान एक उभरती हुई एक ऐसी चैंपियन, दो बार की एशियाई चैंपियन है, लेकिन पूजा ढांडा जो कि 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है उन्हें एक तरह से उन्होंने धो डाला, 7-0 से हराया। मिडल स्टांस उनका देखते ही बनता था, दस्ती खींचना उनका दाव निर्णायक साबित हुआ और इसी दस्ती खींचने के दाव पर उन्होंने अंजलि को पराजित किया था अपने पिछले मुकाबले में। और उसके बाद विनेश फोगट ने अंजू को हराया, 10-5 से हेडलॉक किया था खूबसूरती के साथ। और उसके बाद वानेसा ने जो टेक्निक ओलंपिक में लगाई थी वही कुछ अंजू ने लगाई लेकिन बात बनी नहीं, 5-10 से वो हार गई। लेकिन विनेश ने अगले मुकाबले में वो पिंकी के खिलाफ उतर नहीं पाई जिसकी वजह से विनेश को रुखसत होना पड़ा। और बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है कि 53 किलोग्राम में कोई फोगट परिवार से नहीं होगा, ना ऋतु होंगी ना विनेश होंगी, लेकिन इसमें पूजा जाट मध्य प्रदेश की खिलाड़ी बड़वासनी हरियाणा में प्रैक्टिस करती हैं वो जा रही हैं इस बार, वो चुनी गई हैं। दिव्या काकरान जो है 72 किलोग्राम में एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था इसी वजन में, और अब वो जाएंगी पिंकी को हराने के बाद अपना उन्होंने जगह पक्की कर ली है। 74 किलो में यश ने 2013 के एशियाई चैंपियन अमित धनखड़ को हराया, अपनी जगह पक्की की। और 79 किलोग्राम में गौरव बालिया ने नरसिंह यादव को हराया, और पहले अमित धनखड़ को हराया था यश ने और गौरव बालिया ने हराया नरसिंह यादव को, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट को, और टेक्निकल सुपेरिटी से एक तरह से उनको धो डाला था। आप क्या सोचते हैं इस पूरे परिणामों के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।